50-100 एपिसोड्स पे हम हर वो हाफ सेंचुरी पे हम आपको इंटरव्यूज़ देते आ रहे हैं, और आप देख चुके कि वो एक्साइटमेंट कितनी होती है। हमको खुद पता नहीं होता कि हम 50 से 100 जा रहे हैं, 100 से 150 जा रहे हैं, 150, 200, 250, 300, 350, 400 पहुंच गए। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। काफ़ी कुछ ऊपर नीचे होते रहता है हर जगह पे, बट द वे द टीम बैलेंसेज इट हियर, इट्स रियली अमेजिंग। आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी। एंड ऑल्सो झलक, आप हमारे शो में अभी आए हो तो आपको बड़े बड़े क्या कहते हैं खुशी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। देखो मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, इस बार भी मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि हम हर उस पर आप आते हो, और मैं बस यही कहती हूँ कि मुझे अभी भी इट्स अनबिलीवेबल फॉर अस कि फाइनली अभी 400 भी हो गए हैं, और पता नहीं और कितना। तो बहुत खुशी है इस बात की, और इतना सपोर्ट मिल रहा है, और हमारे शो में झलक भी आई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और झलक सॉरी, हमेशा नाम में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा है। हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, और नई नई एंट्रीज आई हैं, और बहुत खुशी है इस बात की। जी अभी तक तो बनी नहीं है, अब तक तो मुलाकात नहीं हुई है, मैंने इनको देखा भी नहीं है अभी तक तो, बट आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए तो ये फर्स्ट ही है, तो मैं भी चाहती हूँ 8-10 और बहुत सारे हम भी केक कट करते रहें एट एवरी 50, है ना। केक काटती हूँ, खाती तो हो नहीं। ऑफ कोर्स खाया मैंने थोड़ा सा, पूरा खाना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हो। बहुत अच्छा हुआ, तो पहले दिन तो मैं नहीं मिली थी, क्योंकि जब मैं पहले दिन आई तो मेरे लिए यहाँ ढेर सारा काम था, तो मुझे टाइम नहीं मिला इन लोगों से मिलने का। बट जब पहली बार हम मिले, मुझे अभी भी याद है, मैं अभी तक मैं पूछ रही थी बाकियों से कि अच्छा यू नो इन लोग कहाँ बैठे हैं, मैं जाके मिलूँ, बट उसके पहले ही मलिका आ गई थी मुझसे मिलने सामने से, इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हर, और फिर शी ओनली टुक मी टू मीट सुमेद ऑल्सो। बट हाँ, इन दोनों ने भी और आई थिंक पूरी टीम ने बहुत अच्छा बहुत प्यारा वेलकम किया मेरा, सो आई थिंक आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द फैमिली मेरे। इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम पे भी, मैं जब भी देखती हूँ, मेरे इतने सारे मैसेजेस में सुमेधियन, मलिका माई स्वीटी, मलिका माई ये, ओ गॉड, मेरे इतने सारे 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 इनके फैन क्लब्स हैं और इतने सारे फैंस हैं, तो मैं भी ट्राई डेफिनेटली करती हूँ उन सबको रिप्लाई करने का, अगर किसी को कभी नहीं कर पाई तो रियली सॉरी, बट इतने सारे हैं कि अब मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है सबको रिप्लाई करना। इन्हीं की लीला है, इनको सब पहले से पता होता है, यही बताएंगे। नहीं नहीं, इस बार मुझे नहीं पता है, अभी तो वो रणछोड़ वाला सिक्वेंस हमने किया, अभी द्वारका निर्माण होगा, द्वारका निर्माण की ओर हमारी स्टोरी अभी चली है, तो विश्वकर्मा वगैरह ये सब जो है पात्र आएंगे शो में। द्वारका निर्माण के बाद मेरे ख्याल से आगे की स्टोरी जो है आप देखोगे, जो आप चाहते हो बेसिकली मैं बताऊँ, वो द्वारका निर्माण के बाद हो, बट इट्स गुड। काफ़ी कैरेक्टर में बहुत ग्राफ आया हर एक के, है ना, तो मैं भी अभी सेट पे जाती हूँ परफॉर्म करते हुए, थोड़ा अलग लगता हुआ पहले से कैरेक्टर, काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें थी, अब अलग चीज़ें हैं, डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट थोड़ा अभी अलग अलग झलक कैसे प्रोफेशनल थी ना आती एकदम, उसको खड़ूस नहीं कहा तुमने, मैंने कहा था मुझे क्यों, मैं क्या उसने तुझे नहीं कहा वो, जब मैं शुरुआत में प्रोफेशनल रहता था ना तो खड़ूस काम की बात करते, ये वो हर इंटरव्यू पिछले तू जो 50-100-150 एक बार इंटरव्यू देख ले, फुल डांटी है मुझे ये, इसको भी खड़ूस बोल दे थोड़ा। मैं साथ काम की बात करती ही नहीं हूँ, हमारा कुछ है ही नहीं काम कॉमन, तो हम काम की बात नहीं करते हैं, हम बाकी सारी बातें करते हैं, अभी भी हम ऊपर वही प्लानिंग कर रहे थे, मतलब मुझे भी काम की बात क्या करना, काम की वही खड़ूस, वेरी बैड, थैंक यू सो मच, दिस इज आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस, बट हाँ नहीं हाँ, मेरा झलक के साथ तो थोड़ा हम टाइम लगा है ना, कि एक होता है कि थोड़ा मैं भी थोड़ा शाय और थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ ना इंसान के सामने, थोड़ा टाइम लगता है, एंड ऑब्वियसली शायद ये तुम्हारे साथ भी होगा। तो मलिका ने जो है हम दोनों को मिलवाया कि अच्छे से बात की, फिर हम तीनों बात किए, हाँ देन झलक ने अपने फैमिली के बारे में शेयर किया, अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया, फिर उसने शेयर किया, फिर मैंने शेयर किया, एंड दैट्स हाउ वी बॉन्डेड। सो नाउ व्हेन वी मीट वी फील रियली कंफर्टेबल, लाइक अ फैमिली वी मीट अगेन। मुझे नहीं लगता राधा कृष्ण कभी जुदा हो सकते हैं, अलग अलग, हाँ नहीं
देखिए, राधा का विवाह हुआ अयन के साथ, फिर भी राधा कृष्ण एक है, उनके प्रेम में कुछ नहीं हुआ। अभी आगे भी ऐसा कुछ होगा जिससे आप प्रेम की परिभाषा ही उससे हाईलाइट होगी। बहुत लोगों का बहुत कहना होता है अलग अलग तरीके से, बट ये शो आई थिंक जितना आज तक मैंने देखा है, द वे द शो इज़ बीइंग मेड बाय द मेकर्स, बाय एवरीबडी, प्रेम की वास्तविक परिभाषा जो है, चाहे जो कुछ भी हो, आपको उससे समझ में आएगी आएगी और वो सिखाया जाएगा ही जाएगा। नहीं, आई थिंक मैं अग्री करती हूँ, ये पूरे शो का जो मेन मैसेज है वो ऑलवेज प्रेम ही रहा है। तो आई थिंक वही होगा, डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे प्रेम के, बट मैसेज तो वही है। मैं भी यही कहूँगी, जैसे अभी जैसे चैप्टर्स आते जा रहे हैं, उसके बाद जब जब इन दोनों का विवाह दिखाएंगे, वो भी एक कुछ ना कुछ उस टाइम आपको पता चलेगा कि क्या वो चैप्टर है या उसका नाम क्या, किस तरह से दर्शाया जाएगा, वो आपको तभी पता चलेगा। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, एंड सेकेंडली द शो इज़ गोइंग रियली वेल, इट्स गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज, एंड वी आर रियली हैप्पी टू गेट दैट। थैंक यू सो मच फॉर द सेम, and we all love you.